कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नौकरी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कटाक्ष किया। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार की सोच मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन पर आधारित है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। किस रिपोर्ट पर मोदी सरकार ने किया ये कमेंट? जिस मीडिया रिपोर्ट का राहुल गांधी ने हवाला दिया है उसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्रीय सरकार ने हालातों से निपटने के लिए खर्च में कटौती शुरू कर दी है। इसके तहत मंत्रालय के विभागों, संवैधानिक संस्थाओं और संस्थानों में नए पद सृजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे पदों पर भर्ती तत्काल रोकने के लिए कहा गया है जो अभी तक भरे नहीं गए हैं। बताते चलें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार के मुद्दे पर हमला बोल रही है। यूथ कांग्रेस ने हाल ही में रोजगार के दो नाम के कैंपेन की शुरुआत भी की है, जिसमें वह सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए। हाल ही में राहुल ने अलग अलग मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी की। राहुल ने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नौकरियां जाना, GST, कोरोना वायरस और सीमा विवादों पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश इस वक्त मोदी निर्मित आपदाओं में घूम रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट में लिखा था, भारत इस वक्त मोदी निर्मित आपदाओं में घूम रहा है। इसके बाद उन्होंने 6 चीजों का जिक्र किया और वो ये हैं। पहला, GDP 23% गिरा। दूसरा, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तीसरा, 12 करोड़ नौकरियां गई। चौथा, केंद्र राज्यों को GST बकाया नहीं दे रहा। पांचवा, वैश्विक स्तर पर रोजाना सबसे ज्यादा कोरोना केस। छठा, देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।